दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बोया की तरफ से आने वाले माइक के बारे में, साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका साउंड टेस्ट बताएंगे, साथ ही साथ आपको यहां पे कंपेरिजन करके बताएंगे बोया की तरफ से आने वाले एक और अलग से लेपल माइक बोया बाय M1 के बारे में। ये M1 है, ये M1 है, तो दोनों के डिफरेंस के बारे में बताएंगे, दोनों की वॉइस क्वालिटी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ये किस तरीके से अलग तरीके से आपके काम में आने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो साथ में। तो हे गाइस, दिस इज रवि कांत सोन कार एंड यू आर वाचिंग एन इंटरेस्टिंग चैनल एंड विल टारगेट लेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बना देंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये वाला माइक परचेस क्यों किया। तो अभी ये वाला माइक जो हम यूज करते थे, इसमें 20 मीटर की वायर है, ये लेपल माइक हम लोग यहाँ लगाकर इसका एक दूसरा पिन होता है, इसको स्मार्टफोन में या कैमरा में लगाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ब्लॉगिंग करनी होती है तो इस तरीके से आपको मोबाइल होल्ड करना पड़ता है, वहां पर अलग से वायर लगा के ऐसे अगर आपको शूट करना होता है तो वायर अलग से देखती है आपको यहाँ पर, और थोड़ा सा अनकन्वीनियंट फील होता है। तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉगिंग के लिए ये वाला जो है माइक अपने यहाँ परचेस किया है। तो ये किस तरीके से इसमें क्या करने मिलता है, तो पहले तो ये इस तरीके से दिखेगा, जैसा ये दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको दिखने वाला है। इस पर ये अलग डिजाइन दिख रही है, ये लेपल माइक। अगर आपको इंडोर शूट करना है तो आप इस वाले माइक को यूज कर सकते हैं, आउटडोर शूट करना है तो इस वाले माइक को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वाले में एक फायदा एक और भी है कि अगर आप इंडोर आउटडोर दोनों में यूज करना चाहते हैं तो भी आप इसको यूज बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बिना देरी के डायरेक्टली बढ़ते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ और देखते हैं इसमें कैसा क्या आपको आइटम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये है बॉक्स, यहाँ पे मैंने बॉक्स पे बोया बाय M1 और इसका ये डिजाइन है, इस तरह भी ब्रांडिंग है, इस तरह भी कुछ नहीं है, इस तरह ब्रांडिंग है और इस तरह पे कुछ स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे क्या कैसे देखने को मिलता है। तो आप बात करते हैं इसे कंटेंट के बारे में। तो बेसिकली हमने इसको मंगाया है अमेजोन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अमेजोन से मंगाने का इसका जो मेन रेपर है कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में आया हुआ था और इसे हमने रेपर को खोल लिया जो कि चेक करने के लिए इसने प्रोडक्ट मंगाया वही है कि नहीं। और इसकी कीमत जो है वो है लगभग 1600 रुपये और प्रेजेंट कीमत देखने के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसे चेक कर सकते हैं। और उसको हमने कर दिया स्लाइड में और इसके कंटेंट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया इसको ओपन और ओपन करने के बाद तो इस तरीके से पैकेजिंग मिलती है और इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे एक मिलता है आपको बड़ा सा एक बॉक्स एक और इस बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देखने को मिलते हैं, बस इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। इसको हमने रखा साइड में, सबसे ऊपर मिल जाता है आपको एक वारंटी कार्ड जहाँ पर आप इसको फिल करके रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक मिल जाता है यूजर मैनुअल गाइड जहाँ पर आप अलग अलग तरीके के इसके इंग्लिश में यूजर गाइड दी गई है पूरी और इसके स्पेसिफिकेशन, इसके यूज करने का तरीका है सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एक माउंट, शू माउंट है यहाँ पर जिसको आप अलग से अपने ट्राइपॉड में फिट करेंगे, मोबाइल होल्डर में फिट करेंगे, कैसे करना भी हम बताते हैं बाद में। और इसके साथ में ही आपको मिल जाती है यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की केबल, जहाँ पर एक ये वाली जो केबल है यहाँ पर इसको आप लैपटॉप में यूज करना होगा या फिर कैमरा में यूज करना होगा या किसी अदर रिकॉर्डिंग डिवाइस में यूज करना है तब इस वाले केबल का यूज करेंगे। और ये वाली जो केबल है इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये स्मार्टफोन के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है स्मार्टफोन, तो इस वाली केबल को यूज करने के लिए आप अगर आप अपने स्मार्टफोन से अगर रिकॉर्डिंग करते तो आपको ये वाली केबल का यूज करना पड़ेगा जो कि बहुत छोटी है और कन्वीनियंट भी है, आप आसानी से इसका यूज कर पाएंगे। तो ये इसकी केबल है 3.5 mm जैक का, ये आपको मिलता है। साथ ही साथ आपको इसके बाद देख लेते हुए क्या मिलता है, तो इसके बाद एक ये दो सिलिका है और इसके साथ आपको एक पाउच मिलता है बोया की ब्रांडिंग के साथ में, जिसमें आप इस माइक को रख सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं मेन यूनिट के बारे में, तो मेन यूनिट में आपको मिलता है, तो मेन यूनिट में मेन चीज मिलती है आपको ये, यहाँ पर आपको ये मिल गया एक, अपन बात करें तो ये इसका जो मेन माइक है जो कि एक कार्डियोड माइक है, मतलब जो आप इसमें शूटिंग करेंगे जिस डायरेक्शन में ये रहेगा उस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में ये आवाज रिकॉर्डिंग करता है, मतलब बाहर की आवाज को ये बहुत हद तक ये रिड्यूस कर देता है, केवल आपकी ही आवाज इसमें आती है। और काफी बड़ा माइक है, करीबन अपनी जो फिंगर होती है मिडिल फिंगर उसके बराबर का ये माइक है और काफी बड़ा माइक है। और इसके बाद आपको विंड स्क्रीन मिलती है, इसके माध्यम से अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो आप वहां पर इसका यूज करके इसकी जो हवा की जो नॉइस रहेगी उसको रोक पाएंगे और आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको यूज कर पाएंगे और अच्छी क्वालिटी का ऑडियो आप अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड कर पाएंगे।
तो ये अभी हमने सिर्फ इंडियन स्क्रीन में डाल दिया है, तो कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप बताएंगे केबल को फिट कैसे करना है, इसको भी हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया है। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसको माउंट में आप ऐसे फिट कर सकते हैं इस तरीके से, और एक यहाँ पे आपको एक पिन भी मिल रहा है जहाँ पे आप अलग से इसको कस भी सकते हैं। तो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ऐसे मान के चलो आपके पास इस तरीके से कोई ट्राइपॉड है, तो उसमें अगर आपको इसको कसना है तो आप इसको इस तरीके से कस भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कसा इसको और ये कस दिया, ठीक है, और हमने इसको अपना होल्ड कर लिया। तो आप इसको ऐसे कस भी सकते हैं और इसको आप क्या करेंगे यहां पर लगा लेंगे। और इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और लगाने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से अभी आपको ये दिखने वाला है। तो इस तरीके से अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो आप नजदीक सकते हैं, और इसको अलग अलग डायरेक्शन में आप यूज कर पाएंगे, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितने भी आपको एंगल पे एडजस्ट करना है उसको एडजस्ट किया और इसको रख दिया, तो कुछ इस तरीके से आपका ये लग जाएगा। तो ये बेंडिंग स्क्रीन में काम कर रहा है, मतलब इसमें आप ये जो 1/4 mm का 1/4 inch का जो शू माउंट है उसमें आप इसमें कस के भी इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, अगर आपके पास मोबाइल माउंट है जिसमें कोल्ड शू माउंट है ना, तो उसमें डायरेक्टली आप इसको फिट कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको इस माइक को आपको अपने मोबाइल होल्डर में और ट्राइपॉड में लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने फिटिंग करना देख ही लिया है। अब आपके पास इस तरीके से एक मोबाइल होल्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नॉर्मल मोबाइल होल्डर होता है, उसमें क्या रहता है, ये पॉइंट तो रहता है, ऐसा रहता है, करीबन 150 रुपए के समथिंग आता है, लेकिन उसमें ये वाला पोर्ट नहीं रहता है। मतलब जो शू माउंट है ना, यहाँ पर ये वाला पोर्ट नहीं रहता है, इस कारण डायरेक्टली उसमें वो नहीं लग पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस टाइप का मोबाइल होल्डर परचेज करना है कि जिसमें ये वाला पोर्ट दिख जाए। तो ये यू लाइन की तरफ से आने वाला एक पोर्ट है, वो मोबाइल होल्डर है, जहां पर आपको यहाँ पे कोल्ड शू माउंट देखने को मिल रहा है, जहां पर आप इसको आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो वो करना क्या पड़ेगा, इसको डायरेक्टली आपको यहाँ पे अटैच करना है, ये अटैच हो जाता है, और इसको कस देना है। तो जैसे आप ये कस देते हैं, तो जितने पे आप कस देंगे उतने से आप ये हिलेगा नहीं, कुछ भी करते रहो ये निकलेगा नहीं, है ना, कैसे उल्टा सीधा कर दो, तो ये इस तरीके से इसमें कट जाएगा। और उसके बाद आपको जो आपके पास जो छोटा या बड़ा जो भी ट्राइपॉड है उसमें आप इसको आसानी से ऐसा कस देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे कस दिया, और इसके बाद अभी हमने इसको यहाँ पे ऐसा लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हमारे इस माइक के बारे में, आपने रिव्यू वीडियो देख लिया है, अनबॉक्सिंग वीडियो देख लिया है, अब देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कि किस तरीके से वॉइस आती है। और अब आप बताइएगा कि किस तरीके से आपको अलग अलग डिफरेंस वॉइस देखने को समझ में आ रही है। अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है हमारे कि बिना किसी के एक्स्ट्रा माइक के, जो कि डायरेक्टली फोन से रिकॉर्ड हो रही है, फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और इसके बाद हम जो लगाएंगे वो रहेगा हमारी इसके साथ में माइक की रिकॉर्डिंग। तो बताइएगा किस तरीके से रिकॉर्डिंग आ रही है, किस तरीके से वॉइस आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब जो आप अभी यहाँ पे आवाज सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं हमारे माइक के साथ में, जो कि अभी हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो आपको वॉइस क्वालिटी में डिफरेंस वन में आ गया होगा कि दोनों की वॉइस क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। मतलब अगर आप बिना माइक की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो क्या आवाज मिलती है, और माइक के साथ में यानी बोया MM1 के साथ में अगर रिकॉर्डिंग करते हो तो कौन सी क्लियरिटी आपको ज्यादा बेटर लगती है, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और अब हम यहाँ पे साउंड टेस्ट करने वाले हैं एक और हमारा जो दूसरा वाला माइक है लेपल माइक, इसके साथ में कैसी आपको वॉइस क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे मैं वॉइस क्वालिटी में किसी भी टाइप से कोई भी छोटी कहानी इसमें नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई एडिटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वही रिकॉर्डिंग वॉइस मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। तो अभी हम इंसर्ट करते हैं इस वाले माइक को। फ्रेंड्स, अब जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं ये हो रहा है बोया के M1 माइक से, रिकॉर्ड हो रहा है लेपल माइक से, जो कि अभी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। एक वायर इसमें हमने फोन में लगा दिया, दूसरी सेकंड वायर जो है ना हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इसकी आवाज आपको कैसी लग रही है आप हमें बताएं। तो अभी यहाँ पे मैंने तीनों आपको वॉइस रिकॉर्डर बता दी है, एक नॉर्मल स्मार्टफोन से, दूसरा बोया बाय MM1 माइक से, तीसरा लेपल माइक से। दोनों ब्रांड जो है, जो प्रोडक्ट है ये बोया के हैं, यहाँ पे कंपनी नाम आपको बता दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। तो आई होप आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज बता दी होंगी इस माइक के बारे में भी, और ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में भी, बाकी आपके सारे टेस्टिंग जो भी मैं सारी चीज बता दी है। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत होगी इस वीडियो में। सबसे हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और रेगुलर ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।